हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो कई सारे टिप्स लेकर आ चुकी हूँ, सारे ही टिप्स बहुत ही कमाल के हैं, यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आज का पहला टिप्स है लहसुन को लेकर। लहसुन छीलना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाती है, खासकर मॉर्निंग के टाइम में अगर सब्ज़ी में डालना है तब तो बहुत झंझट का काम लगता है। कई लोग क्या करते हैं, एक सप्ताह के लिए लहसुन का पेस्ट बना के फ्रिज में रख लेते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि उसका जो स्वाद है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, खुशबू उड़ जाती है, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका पेस्ट रख के। सब्ज़ियों में उतनी स्वाद नहीं आती है, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक बता रही हूँ कि आप क्या करें। जब भी टाइम मिले लहसुन को छील के और इस तरह से कंटेनर में बंद करके रख दे, और रखने के बाद जब आपको ज़रूरत हो, जितना भी लहसुन खाते हो उसके हिसाब से या तो आप ग्रेट कर ले या उस वक्त पेस्ट बना ले। ताज़ी ताज़ी पेस्ट बनाते हैं तो फिर सब्ज़ी में स्वाद भी आती है और खुशबू भी आती है लहसुन की। तो अभी तो गर्मी का समय है, गर्मियों के समय में कई लोग बहुत कम खाते हैं लहसुन, मैं खुद बहुत कम खाती हूँ, तो इतना लहसुन ही 4-5 दिन तक आराम से चल जाएगी। तो आपके घर में जितना यूज़ होता है उसके हिसाब से छील के डब्बे में भर के बंद कर ले, और जब आपको सब्ज़ी में डालना हो उसी समय पेस्ट बना ले। अगला टिप्स है इस तरह के स्पून को लेकर। ऐसे फोक वाली चम्मच तो हम सभी के किचन में रहती है, नूडल्स मैगी खाते हैं, पर आज मैं इसका बहुत बढ़िया टूल बनाने वाली हूँ, यानी कि रोटी जो हम पलटते हैं चिमटी से, तो वो बनाने वाली हूँ। कई बार होता है कि चिमटी नहीं होती है, होती भी है तो गुम हो जाती है, नहीं मिलती है, तो फिर हम अचानक से उस समय क्या करें, या फिर जो बैचलर है कम सुविधा का सामान रखते हैं तो उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है कि आप क्या करें, ये 2 स्पून ले लें इस तरह की फोक वाली, और दोनों को ऐसे बराबर करके नहीं रखना है, यानी कि अलग तरीके से इसको ज्वाइंट करके ले लेना है, और उसके बाद एक रबर से इसको ज्वाइंट कर दीजिए, टाइटली ज्वाइंट कीजिएगा, जिससे कि ये चिमटे की तरह काम करे। और अब आपको टोस्ट सेकने हो, रोटी सेकने हो, या फिर कुछ भी उठाना हो, आप ऐसे उठा सकते हैं, ये चिमटे का काम करती है। तो इस तरह से ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, इस ट्रिक से आपका काम आसान हो जाएगी। तो छोटे छोटे जुगाड़ से भी हम अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो अगर चिमटी नहीं है तो इस तरह से आप चिमटी बना लीजिए चम्मच से ही, और बहुत आसानी से इसको पकड़ के कोई भी चीज़ को पलट भी सकते हैं, बस आपको रबर को टाइटली लपेटना है। अगला टिप्स है सिलाई को लेकर। हम लेडीज सिलाई तो करते ही है, चाहे सिलाई मशीन से करें या फिर हाथ से सुई से सिलाई करें। तो कई बार होता है कि जल्दबाजी में, या फिर जो छोटी वाली सुई होती है ना, ये तो बड़ी है लेकिन तिरुपाई वाली जो सुई होती है अक्सर ही उंगली में चुभ जाती है। तो अगर उंगली में चुभ गई है या फिर नुकीली है, जंक लगी हुई है, तो कोई भी चीज़ ऐसी चुभ जाती है तो हमें तो इंजेक्शन लेना ही चाहिए, पर इमरजेंसी में क्या करें जिससे कि ब्लड भी बंद हो जाए और उसकी जो जहर है वो हमारे हाथों में ना फैले। क्योंकि नुकीली चीज़, जंक लगी हुई चीज़ अगर चुभ जाती है और ब्लड निकलता है तो फिर हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, इंजेक्शन ज़रूर लेनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करें कि इंजेक्शन तो लेना ही है, लेकिन इमरजेंसी में आप लहसुन का एक छोटा सा टुकड़ा लेके उसको कट करके इस तरह से जहाँ पर भी चुभी है वहाँ पर घिस लीजिए। थोड़ी सी जलन ज़रूर होगी लेकिन उस समय ब्लड तुरंत बंद भी हो जाएगी और जहर फैलेगी भी नहीं। तो बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, इस ट्रिक को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। लेकिन हाँ, आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है, लेकिन इमरजेंसी में कई बार 2-3 घंटे हम नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश, तो उस वक्त ये टिप्स बहुत ही काम आएंगे, ब्लड भी बंद हो जाएगी और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अगला टिप्स है कि जब हम रोटी बनाते हैं, बेलन को अच्छे से धो के सुखा भी लेते हैं, उसके बावजूद भी पहली रोटी चिपकती है बेलन में, या फिर परथन ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो जिस वजह से रोटी अच्छी नहीं बनती है। तो बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आ चुकी हूँ कि अगर आपने नाइट में भी बेलन को धो के रखा है, मॉर्निंग में पराठे या रोटी बना रहे हैं, तो उस वक्त क्या करें, जब गैस ऑन करके तवा रखते हैं हीट होने के लिए, तो तवा रखने से पहले कुछ सेकंड के लिए बेलन को गैस पर सेक ले, बस कुछ सेकंड के लिए ही सेकना है, ज़्यादा नहीं। तो बस ऐसे ही उलट पलट के उसको सेक लीजिए, उसके बाद जब आप रोटी या पराठे बनाएंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी और ना ही ढेर सारे परथन लगाने पड़ेंगे। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, आप इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर आपको पता चलेगी। तो बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। पोछा लगाना बहुत झंझट का काम लगता है, बहुत ज़्यादा समय लग जाती है, और ख़ासकर उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है जिनका घर काफ़ी बड़ा है। तो तरह तरह की अभी मार्केट में पोछा लगाने वाली आती है, जिससे कि पोछा लगाना आसान भी है और अच्छा भी लगता है, लेकिन उसमें पैसे लगते हैं। तो मैं एक फ्री का जुगाड़ बता रही हूँ, जिससे कि कई फ़ायदे हैं, पैसे की भी बचत होगी और एक साथ
आपके दो काम हो जाएंगे, यानी कि पैसे भी बचत होगी, साथ साथ पुराने कपड़े का भी रीयूज़ हो जाएगा। तो आप करें कि कोई भी, जैसे बच्चे का छोटा सा टी शर्ट होता है ना, वो आप ले लें, ये तो काफ़ी बड़ा टी शर्ट है, लेकिन आप छोटे बच्चे का टी शर्ट ले लें, पुरानी जो नहीं पहनते हैं, फटा हुआ है, वो लेके और इस तरह से वाइपर में आपको उसको लगा देना है, और लगाने के बाद इसको गीला कर लीजिए, और इससे बहुत आसानी से आप सारे ही घर में पोछा को लगा सकते हैं। एक बार इसको गीला करके पहना लीजिए, और पहना के आप इसको पोछा लगा सकते हैं। फिर गंदा हो गया तो इसी में पहनाए हुए ही धो सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है, इससे आपके पैसे भी बचेंगे, समय भी बचेगी, क्योंकि इस टी शर्ट से ना फटाफट घर में साफ़ सफाई हो जाती है, पोछा लग जाते हैं। तो कई फ़ायदे हैं इसके, पैसे तो बचेंगे ही, समय भी बचेगी, साथ साथ पुरानी टी शर्ट का यूज़ भी हो जाएगा। तो कमाल का आइडिया है, ट्राई करके आप ज़रूर देखिएगा, बहुत पसंद आएगी आपको। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। अगला टिप्स है चश्मे को लेकर। चश्मे हम सभी घर में रखते ही हैं, और जो नंबर वाली चश्मे होती है वो भी होती है। आजकल तो बच्चों की भी आँखों की रोशनी कम होने लगी है, तो बच्चे भी पहनते हैं। तो उसको क्लीन करने का बहुत ही बढ़िया तरीका बता रही हूँ। ज़्यादातर तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे चश्मे के अंदर ही जो सॉफ्ट कपड़ा दिया हुआ रहता है उसी से क्लीन करते हैं, या क्लीन करने के लिए बहुत तरह की चीज़ें मार्केट से आती है जिससे कि पैसे लगते हैं। पर कई बार होता है कि हम भूल जाते हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं या बाहर गए हुए हैं, तो उसको हम कैसे क्लीन करें। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक है कि आप क्या करें, जाने से पहले, यानी कि जितने भी गॉगल्स आप अपने साथ ले जा रहे हैं, चश्मे ले जा रहे हैं, उसको 10 मिनट के लिए फ्रीजर में आप रख दीजिए। तो मैं 10 मिनट के लिए इसको रख दी थी, आप देख सकते हैं कि कैसे इस पर बर्फ़ जम गई है। तो अब कोई भी सॉफ्ट कपड़ा ले लीजिए, या फिर चश्मे के लिए जो दिया हुआ रहता है बॉक्स में कपड़े, उसी से अच्छे से सारे चश्मे को आप क्लीन कर लीजिए। इससे चश्मे का जो ग्लास है वो बहुत अच्छे से क्लीन भी हो जाती है और ख़राब भी नहीं होती है। पर एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखिए कि जब भी चश्मा क्लीन करे तो या तो उसमें जो कपड़ा दिया हुआ रहता है उसी से क्लीन करे, या फिर कोई सॉफ्ट रूमाल ले ले, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में पर्दे से या किसी भी रफ़ कपड़ा से पोछ लेते हैं, जिससे कि चश्मे का जो ग्लास है वो ख़राब हो जाती है, स्क्रैच आ जाते हैं, तो फिर उससे आपका चश्मा बिगड़ जाती है। तो इस तरह से जब आप क्लीन करेंगे 6-7 दिन तक आराम से चल जाएगी, आपको बार बार क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे समय की भी बचत होगी और चश्मा ख़राब नहीं होगा, तो पैसे की भी बचत होगी। कोई झंझट नहीं है, बस 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देना है। और अभी मैं दोनों चश्मा क्लीन कर ली हूँ, दिखाती हूँ आपको कि कितना ये लाइट आ गई है, इसमें कितनी चमक आ गई है। मेरे पास भी चश्मा क्लीन करने वाली कपड़ा नहीं थी, तो मैं सॉफ्ट रुमाल ली हूँ और उससे क्लीन की हूँ। देख सकते हैं कितने अच्छे से क्लीन हो गई है। तो बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। गर्मी के समय में बहुत सा बिजली बिल बढ़ जाती है, क्योंकि हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का यूज़ करते हैं, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही भी कर जाते हैं, इस वजह से भी बिल बहुत ज़्यादा आती है। वैसे भी दिन में फ़ैन सारा दिन ऑन रहता है, लेकिन कुछ हैबिट बना लें तो आपकी लाइट बिल कम आ सकते हैं। जैसे कि हमें काम है उसी समय हम लाइट ऑन करें, या फिर जब कमरे में बैठे हुए हैं तभी फ़ैन ऑन करें, जब बाहर निकले तो स्विच को ज़रूर ऑफ कर दें। स्विच हमेशा ऑन नहीं रखना चाहिए। जब आप यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हैं आप लाइट ऑन करके रखे हैं कोई काम के लिए, तब तो ठीक है, लेकिन कमरे से बाहर जा रहे हैं तो आप सारी स्विच को ऑफ करके रखें। थोड़ी थोड़ी अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो चाहे कितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का आप यूज़ कर रहे हैं, आपके बिल बहुत ही कम आएंगे। तो ये छोटी सी टिप्स है, लेकिन आप इसको फॉलो करके ज़रूर देखिएगा, फिर आपको पता लगेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय, टेक केयर।